आखिर क्यों होते हैं ग्वालियर रोड पर हादसे, आइए जानते हैं यहाँ के निवासियों से। वहीं आपको दिखाते हैं कि ग्वालियर रोड पर हादसे होने का एक कारण यह भी है कि आप मेरे साथ देख सकते हैं इस समय ग्वालियर हाईवे पर पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोगों के द्वारा जो बताया गया है वो मुख्य समस्या ये है कि ग्वालियर रोड के दोनों किनारे नाले ना होने के कारण गलियों और कॉलोनियों का पानी हाईवे पर भर जाता है, जिस कारण यहाँ अक्सर हादसे हो रहे हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। लोड़ की वजह से बची भाई, हाँ टवर, हाँ टायर पे जो बबलिंग करेगी गाड़ी। अरे यार क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? अच्छा ये बताओ, ये ग्वालियर रोड पे दो तीन दिन से माना जा रहा है कि कई हादसे हो गए, क्या कारण है ग्वालियर रोड पे हादसे होने का? पूरी बस्ती का, पीछे बस्ती है, उस बस्ती का पूरी का पानी आ रहा है और नाले की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है नाले की समस्या है और पानी का निकास कहीं है नहीं। पानी का निकास हो जाता, नाला बन जाता तो ये समस्या समाप्त हो सकती है। और इस सड़क पर गड्ढे भी हो गए हैं जिसके कारण कल दो तीन जो ट्रैक्टर हैं वो पलट गए थे, बस की जो दो ट्रॉली पलट गई थी और कई मोटरसाइकिल वाले गिर गए थे। आज सुबह भी सर कम से कम 8-10 जो साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले वो भी गिर चुके हैं। तो ये जब तक इसका समाधान नहीं होगा, नाला नहीं बनेगा जब तक इसका समाधान नहीं होगा, क्योंकि जो सड़क है और ज़्यादा बेकार हो जाएगी और भी अनेक हादसे हो सकते हैं, हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है। लोड़ा की वजह से बची भाई, हाँ टवर, हाँ टायर पे जो बबलिंग करेगी गाड़ी। चलो चलो कभी आगे आगे, हाँ जिंदगी और बनाओ ना शादी के बाद दूर बच जाओ। ये भूखा ही ठाड़े हैं यार, ऐसे कैसे मैंने फूट चला के लाओ लगा। अरे यार क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम प्यारा हूँ। कहाँ रहते हो? हरिनगर में। अच्छा ये बताओ, इस रोड पे दो दिन में कई हादसे हो गए, क्या ये सत्य बात है? ये सत्य बात है, ये पानी की समस्या ज़्यादा है और जहाँ में बहुत गहरे गहरे गड्ढा है गए, जहाँ से 3-4 ट्रक चले गए पंट गए और जहाँ में मोटरसाइकिल बहुत बाहर का था जहाँ में गिर पड़ते हैं। कितने दिनों से हो रही है दादा ये? 8-9 से है रही। अच्छा ये कारण क्या है इसके पीछे, कहाँ से पानी आ रहा है ये? ये देखो कछु तो हरिनगर को है और कछु पल्ले नगर में तैयार है, ये शहरों को इकट्ठा पानी आ रहा है। अच्छा क्या समाधान क्या हो सकता है, कैसे ये कीचड़ से? जब तक नो ये नाली और ये नहीं बन पाएंगे तो कछु नहीं, ये नालो नहीं करेंगे जब तक नो कछु नहीं जा पाएगा। तो मेन जो हादसों का वो है, इस रोड पे हादसे होते हैं उनका मुख्य कारण क्या है? गड्ढा है गए जहाँ में बहुत गहरे गहरे। अच्छा अच्छा रोड पे पानी भरने से गड्ढे हो गए, वही मेन कारण है? हाँ जी जी।
इंतजार कर रहे हो किसी को पता लगे मुझे देने का जागरण मारे नहीं है लगा रहा है तो ये कैमरा भी कल के का लगा रहा है वो डंडा जो है ट्रक के सामने को खड़ी है कल्लू से आप कैमरा लगाओ दोनों लंग से तार लगे हैं गाय का देने के जागरण का हाँ गाय से और एक जो यहाँ पे बाटी को रखो वो छोटा बक्सा सा क्या नाम है आपका क्या नाम है ये बताओ इस ग्वालियर रोड पर अक्सर हादसे हो रहे हैं दो तीन दिन से ऐसा क्यों हो रहा है क्या कारण है हादसे होने का ये पानी भरा हुआ है और जगह जगह फिर गड्ढे हो रहे हैं पानी क्यों भर जाता है अब पानी बस्तियों का पानी आ रहा है नाली गरिया कोई बने नहीं है कोई नाला है नहीं जिसमें पानी जा सके तो कितने हादसे हो गए अब तक उसमें कई हादसे हो चुके हैं कितने दिन से हो रहे हैं ये हादसे कम से कम एक महीने से हो रहे हैं तो इसका मुख्य समाधान क्या है कैसे समस्या निजात हो सकती है कि जैसे हमारे नाली खरीदा है ये निकल जाए तो उसमें हमारा पानी जाएगा तो और भी सही देगा मुख्य समस्या नाले की है नाले की है यहाँ पर पानी भरे हैं तो पानी से ये रोड पर खराब हो रहे हैं क्या नाम है आपका संतो कहाँ रहते हो अच्छा ये बताओ ये पानी क्यों भर रहा है पानी सड़क में ये टूटे साड़ी है नहीं बगल में वहाँ घर है और पानी बच जा तो उधर गाँव में
नहीं, पानी क्यों मर जाता है तुम्हारे घर में? पानी क्यों मर जाता है? तो यहाँ इसमें पानी में हादसे भी होते हैं? दुर्घटना हो रही है क्या? मतलब इसमें कोई गाड़ी फाली पलट रही है?